हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। भारत में सभी हिंदू परिवार के घर में मंदिर जरूर होता है। शायद कोई ऐसा ही घर होगा कोई जिसमें ना हो। मंदिर में सभी लोग अपने अपने देवी देवताओं के फोटो रख के उन मान्यता अनुसार उनकी पूजा अर्चना करते हैं। हमारे घर में भगवान का मंदिर होना मतलब घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होना माना जाता है। इसी वजह से घर में मंदिर को प्रमुख स्थान दिया जाता है। लेकिन आज हम कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे जो अक्सर लोगों को पता नहीं होती। यह गलती लगभग लोग करते हैं जो परिवार के लिए समस्या खड़ी कर सकती है। आज हम बात करेंगे घर की मंदिर में माचिस क्यों नहीं रखनी चाहिए। अगर आप भी घर के मंदिर में माचिस रखते हैं तो पूजा करने के बाद जली हुई माचिस वहीं पर फेंक देते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा गलत माना जाता है। घर के मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको विशेष ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि आप माचिस फेंक देते हैं और माचिस रखते हैं, वो बहुत ही गलत मानी जाती है। इससे हमारे घर में नकारात्मकता आने लगती है। इसके अलावा मुरझाया हुआ फूल, जली हुई रुई की बाती जो काली होती है, जो जलाकर हटाकर रख देते हैं हम, वो बहुत ही अशुभ मानी जाती है। इधर उधर फेंकनी वो हमारे घर में नकारात्मकता पैदा करती है। हमेशा अपने पूजा घर को साफ रखना चाहिए। घर के पूजा घर में बिखरी हुई जली हुई माचिस की तिल्ली नहीं रखनी चाहिए। जैसे ही आप दीपक जलाते हैं, माचिस की तिल्ली डस्टबिन में डाल दीजिए। मंदिर के आसपास कहीं पर भी नहीं फेंके। माचिस के स्थान पर आप दीपक जलाने के लिए लाइटर का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखने लायक है कि घर में बने पूजा घर में माचिस नहीं रखनी है। इससे घर में नकारात्मकता ऊर्जा प्रवेश करती है। अगर आप पूजा घर में माचिस रख रहे हैं तो किसी कागज या कपड़े में बांधकर रख सकते हैं, या फिर माचिस पूजा घर में बाहर कहीं रख सकते हैं। पूजा घर में अगर मुरझाए हुए फूल तो हटा देने चाहिए। मुरझाए हुए फूल घर में नकारात्मकता पैदा करते हैं। घर का मंदिर जितना साफ रहेगा उतना ही सकारात्मकता ऊर्जा घर में बनी रहेगी। हमारे देवी देवता प्रसन्न रहेंगे और हमारी सारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। अब बता दें घर में क्या नहीं रखना चाहिए पूजा स्थल पर। पूजा घर में पुराने हो चुके फूल हैं, माला हैं, अगरबत्ती हैं, अगरबत्ती की राख है, वो सभी चीज़ें हमें अपने मंदिर में नहीं रखनी है। इससे हमारे मंदिर में नकारात्मकता का संचार होता है। घर के पूजा घर में उग्र देवता की फोटो नहीं रखनी है। उग्र देवता की फोटो घर के मंदिर में रखना अशुभ माना जाता है। जैसे उग्र देवता हो गए, शनि देव हो गए, नटराज हो गए, ये सब उग्र देवता होते हैं, इनको कभी भी अपने मंदिर में ना रखें। पूजा घर में माचिस और जली हुई माचिस की तिल्ली नहीं रखनी चाहिए। इससे घर में नकारात्मकता ऊर्जा पैदा होती है। अब बात कर लेते हैं मंदिर में कौन से कलर का बल्ब हमें लगाना चाहिए। अगर देखा जाए तो भगवान के दीपक की लौ का रंग, भगवान को चढ़ाए गए फूलों का रंग लाल होता है। पूजा के समय धारण करने वाले वस्त्र का रंग, यह भी वस्तु पीली होती है। तो प्राचीन ग्रंथों के अनुसार माना गया है कि भगवान को प्रिय रंग पीला है। इसलिए घर के मंदिर में स्वास्तिक भरे वातावरण के लिए, फल की प्राप्ति के लिए पीले रंग का ही बल्ब लगाना चाहिए। कितनी फोटो रख सकते हैं बात कर लेते हैं। घर में पूजा घर में जो पूजा घर होता है घर में, उसमें आपको फोटो ज़्यादा नहीं लगानी और ना ही ज़्यादा बड़ी मूर्तियाँ रखनी है। रसोई घर में मंदिर बिल्कुल भी नहीं बनाना है। इससे घर में जो लोग होते हैं वो बीमार होने लगते हैं। तो कभी भी मंदिर ना रखें, उन्हें रक्त संबंधी बीमारियाँ लग जाती हैं। अगर आप आरती कर रहे हो तो दीपक के अंदर इतना घी अवश्य ही रखना चाहिए कि पूजा के बीच में दीपक ना बुझे। पूजा घर में सदैव भगवान को ताजे फूल ही अर्पित करें। जमीन पर गिरे फूलों को पूजा घर में नहीं चढ़ाना चाहिए। पूजा घर में गणेश जी की मूर्ति रखी हुई है तो इस बात का ध्यान रखें कि मंदिर में उनकी तीन मूर्तियां कभी नहीं रखी जाएं। गणेश जी की एक या दो तस्वीरें आप सिर्फ रख सकते हैं। घर के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा अगर मूर्तियों की नहीं होती है तो इसी के कारण यहाँ पर बड़ी मूर्तियाँ ना रखें। अगर आप अपने मंदिर में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग ना रखें। मंदिर में भूल कर भी खंडित मूर्तियाँ ना रखें। और घर में आसपास शौचालय, मंदिर के आसपास शौचालय बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। घर का मंदिर सफ़ेद या हल्के रंग का हो।
वह उत्तर पूर्व या ईशान कोण में स्थापित होना चाहिए। वास्तु शास्त्र के हिसाब से मंदिर की ऊंचाई इतनी होनी चाहिए कि भगवान के चरण और हमारा हृदय का स्तर बराबर तक आए। मंदिर को कभी जमीन पर ना बनाएं, क्योंकि ईश्वर का स्तर तो हमसे ऊपर है, फिर हम उन्हें अपने पैरों के स्थान पर कैसे रख सकते हैं। साथ ही ध्यान रहे कि मंदिर में पूजा करने के बाद दिए को दक्षिण स्थान पर रख दें, ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आगे वीडियो मिलती रहे। मेरी और भी वीडियो हैं भगवान की पूजा से रिलेटेड, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं, और लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू।